हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग स्टूडियो में शिबा इनू के कुछ नए अपडेट्स के बारे में। बट उससे पहले फ्रेंड्स, थोड़ा सा मोटिवेशन का काम हो जाए और कुछ ऐसी अपडेट्स देख ले जिसे देखकर आपको पॉजिटिविटी आएगी मार्केट को लेकर, और जो भी आप पैनिक हुए या फियर में हो तो थोड़ा बहुत उसमें रिलैक्सेशन का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पर देखो तो ये देख लो, एक है यहाँ पर एक मैसेज मान लो इसे, या जो मान लो, न्यूयॉर्क मेयर सजेस्ट बाइंग द डिप स्टेटिंग समटाइम्स द बेस्ट टाइम टू बाई इज वेन थिंग्स गो डाउन सो वेन दे गो बैक अप यू हैव मेड अ गुड प्रॉफिट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ सकते हो कि न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि डिप बाई करने का सजेशन दिया, और वहाँ पे इन्होंने लिखा क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ समय जो होता है जब नीचे जाता है प्राइस या मार्केट नीचे जाता है तो उस टाइम बाई करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब वो फिर से वापस आता है तो उस टाइम आप एक अच्छे प्रॉफिट में होते हो। तो चलो फ्रेंड्स, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आओ तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, तो इसे भी आपको जानकर अच्छा लगेगा। तो ये फ्रेंड्स न्यूज है, वो वाला एक तरह का कोटेशन था, तो इसे ये न्यूज है। ये जो न्यूज है पेपल का है, तो पेपल ने यहाँ पे शेयर किया है कि पेपल जो जल्दी ही अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ो, पेपल कुड सून बी रोलिंग आउट इट्स वेरी ऑन स्टेबल कॉइन, अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकता है बहुत सून। अब ये कब करेगा, तो जब करेगा तो पता चल जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ अगर है इस तरह से पॉजिटिव वाली चीज़, एक और थी वो भी देख लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो, ये चार घंटे पहले की अपडेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि थ्री ऑफ द लार्जेस्ट बिटकॉइन वेल्स एक्वायर्ड, देख सकते हो फ्रेंड्स कितना बड़ा अमाउंट है, इतने ज़्यादा डॉलर के उन्होंने जो है BTC बाय किए फ्रॉम टूडे डिप्स। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, ये आज का है और यहाँ पे है कि ये आज का जो डिप हुआ था उसी में बाय हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पढ़ सकते हो फ्रॉम टूडे डिप इतना प्राइस का, और ये कितने लोगों ने बाय किया है, तो तीन वेल ने बाय किया है। तो फ्रेंड्स अब इसी के साथ अब हम लोग शुरू करते हैं, और शिबा इनू के जो थोड़े बहुत जो भी अपडेट्स हैं मार्केट में उसे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि शिबा इनू का फिलहाल बीच में फ्रेंड्स कुछ खास अपडेट आ ही नहीं रहा है कि मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा बताऊं। तो चलो जो भी अपडेट है उसे मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हो, ये अपडेट की अगर बात करें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि AMC ऑन ट्रैक टू एक्सेप्ट डॉज कॉइन शिबा इनू क्रिप्टो पेमेंट्स इन 2022। तो यहाँ पर पढ़ सकते हो कि AMC है, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ट्रैक पे है, मतलब कभी भी वो है जो 2022 में शिबा इनू और डॉज कॉइन को पेमेंट मोड में एक्सेप्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स अगर एक चीज़ और यहाँ पे आप नोटिस करो, तो यहाँ पे नीचे में फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे AMC जो है करेंटली अभी फ़िलहाल जो एक्सेप्ट करता है उसमें क्या क्या है, तो बिटकॉइन है फ्रेंड्स, इथेरियम है, लाइट कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, एप्पल पे, गूगल पे एंड पेपल है। तो पहले से ही फ्रेंड्स बिटकॉइन, इथेरियम और लाइट कॉइन और बिटकॉइन कैश, ये चार क्रिप्टो करेंसी है जिसको पहले से ही ये एक्सेप्ट कर रहा है। आने वाले टाइम में आपको डॉज कॉइन और शिबा इनू देखने को मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है, क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, बिटकॉइन कैश ही है यहाँ पे मात्र जिसे अभी तक एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद से ये दो कॉइन और होंगे जो इसके लिस्ट में ऐड होंगे पेमेंट में। ऊपर से जो पेपल स्टेबल कॉइन लाने वाला है, तो ये फ्रेंड्स पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ये सब जो भी न्यूज होते हैं, आपको क्या लगता है, ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े कंपनीज के जो भी डिसीजन होते हैं फॉर अपकमिंग डेज जो निकलते हैं, जो सजेशंस आते हैं, तो मार्केट तो फिलहाल क्रैश है, लेकिन इन लोगों को अभी का क्रैश से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन लोगों को तो पता है कि मार्केट का फ्यूचर क्या है, मार्केट क्या रहेगा, कितने समय तक रहेगा, मार्केट में आगे कितना बेनिफिट उठाया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लेवल के जो होते हैं एनालिसिस्ट, जो एनालिसिस करने वाले होते हैं वो होते हैं, जो कि इन लोगों को सब कुछ सजेशन देते रहते हैं। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स इन्होंने पहले से एक्सेप्ट कर रखा है, आगे भी एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह से पेपल भी सब कुछ अपना देख के खुद का स्टेबल कॉइन लाने का सोच रहा है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में। तो ये सब बहुत बड़ी अपडेट थी जो कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो चलो फ्रेंड्स इसी के साथ शिबा इनू का और भी कुछ अपडेट जो मिल जाए उसे हम लोग देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है यहाँ पे बर्निंग अपडेट है। तो यहाँ पे है 27.6 मिलियन सिब बर्न्ड इन 24 आवर्स एंड आवर कम्युनिटी कीप्स ग्रोइंग। तो यहाँ पे आप 24 घंटे में देख सकते हो 27.6 बिलियन जो है सिब बर्न हुआ है, तो ये एक अपडेट है फ्रेंड्स, आप यहाँ भी देख सकते हो। तो और इसी तरह से जो भी मेजर अपडेट उसे देखते हैं, एक ये इस सेफ ट्रीज वाली है, उसके अलावा फ्रेंड्स और देखते हैं जो भी मेजर अपडेट मिल जाएगी।
तो फ्रेंड्स ये एक और अपडेट है जो कि आप देख सकते हो, ये भी बर्निंग से रिलेटेड है कि जो बिगर इंटरटेनमेंट जो है फ्रेंड्स, जैसा कि बताया था मेरी जो कंपनी है जो कि शिबा बर्निंग का काम करती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हैज ऑफिशियली बर्न्ड 1 बिलियन शिब सिंस लॉन्चिंग लेस देन 3 मंथ्स एगो। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसमें लिखा है कि जब से लॉन्च हुआ है तो मतलब 3 मंथ के पूरे समय में इसने 1 बिलियन जो शिब है अभी तक बर्न किया। तो मुझे पता है 1 बिलियन शिब जो इन्होंने बर्न किया ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अभी जो 27.6 या 8 बिलियन मिलियन जो आपने देखा ये भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट एटलीस्ट फ्रेंड बर्निंग तो हो रही है। आज नहीं, कल नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बट 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब धीरे धीरे बर्निंग होते 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 कुछ आने वाले टाइम में और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और भी कुछ कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, और भी तरह से इसे बर्न करने किया जाने लगे, तो सप्लाई धीरे धीरे तो रिड्यूस हो रही है। तो इस तरह से आने वाले टाइम में जो भी शिबा होल्डर्स हैं बर्निंग से बेनिफिट तो होने ही वाली है। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ खास पॉजिटिव अपडेट्स अभी फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिली है, जैसे कुछ भी और पॉजिटिव अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए शिबा के लिए बस यही एक बहुत बड़ी अपडेट थी एमसी वाली और कुछ बर्निंग को लेकर है। तो अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।